बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारे पास जो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए है वो है एक्सरसाइज नंबर 5.4। अब इसके अंदर क्या चीज़ करनी है आप लोगों ने सॉल्व, इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। मींस आपके पास जो एवरीडे या डेली रूटीन में जो भी आपके पास क्वेश्चंस होते हैं या जो डेली रूटीन में जो हम काम करते हैं उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स को यूज़ करके एक स्टेटमेंट बना दी जाती है और उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। वो इस स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपने इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, और सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब जैसे एक्सरसाइज नंबर 5.4 है और इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अली इज 12 ईयर्स 9 मंथ्स ओल्ड, कि अली जो है वो 12 साल और 9 महीने का है, एंड हिज सिस्टर आलिया इज़, अब आलिया कितने साल की है, आलिया इज 3 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। हमने बताना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस इन देयर एजेस, कि दोनों बहन भाइयों में एज का कितना डिफरेंस है। तो सिंपल है, हम दोनों की एज को माइनस कर देंगे, अली की एज में से हम आलिया की एज माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब वो किस तरीके से आएगा, ऐसा क्यों है, अली देखें 12 साल का है और आलिया जो है वो 3 साल की है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अली बड़ा है और आलिया छोटी है, तो दोनों को माइनस कर दें आप। यहाँ पर आप लिखें माइनस करने का तरीका क्या होता है, ईयर्स एंड मंथ्स, सालों में से साल माइनस होंगे और महीनों में से महीने माइनस होंगे। अब इधर मुझे बताइए कि अली कितने साल का है, 12 साल का, और कितने महीने है, 9 महीने। इसी तरह आलिया कितने साल की है, 3 साल की, और कितने महीनों की है, 11 महीनों की। अब इसको हमने करना है माइनस। अब माइनस करने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्वाइट सिंपल तो है लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर आपने अपने दिमाग को हाज़िर रखना है। ये है 9 और 9 में से 11 माइनस नहीं हो सकते, ये 9 महीने हैं और ये 11 महीने हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पर 9 को किसी ऐसे नंबर से हम लोगों को इंक्रीज़ करना पड़ेगा जिससे ये 11 इजीली माइनस हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इस 12 ईयर्स जो दिया हुआ है इसमें से 1 कैरी लेंगे। जब इसमें से हम 1 कैरी लेंगे तो ये वाला 1 जो है ये हम एक साल इसमें से कैरी ले रहे हैं, और एक साल किसके बराबर होता है, 12 महीनों के। इसका मतलब हमने क्या कैरी लिया, 12 कैरी लिया। अब ये 12 प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास 21। अब इस 21 में से आपने 11 माइनस करना है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 में से 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे 10 महीने। अब इस तरफ देखें, यहाँ से हम 1 कैरी ले चुके हैं, मतलब एक साल हम उस तरफ कैरी कर चुके हैं, तो पीछे बच गए 11 साल। ठीक है, अब इस 11 साल में से 3 साल माइनस करनी है। अब 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8। इसका मतलब दोनों की एज में कितना डिफरेंस है, 8 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अकबर स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हिज मिसिंग बॉल एट 2:40 PM। अब अकबर की बॉल गुम हो गई है और उसने 2:40 PM पे उसको ढूंढना शुरू किया है, अकबर की बॉल। अब अकबर ने क्या स्टार्ट किया है, स्टार्टेड एट, कब उसने स्टार्ट किया, 2:40 PM पे, और इफ़ ही फाउंड 3:50 PM, अगर वो 3 बज के, उसने कब फाउंड की बॉल, उसको मिली कब, 3:50 पे, 3:50 PM पे। तो हमने ये बताना है कि हाउ लॉन्ग ही डिड सर्च फॉर हिज बॉल, कि इसने इस पूरे टाइम में कितना टाइम लगा इसको अपनी बॉल ढूंढने में। अब मुझे बताएं कि ऑब्वियस है कि इसमें से माइनस होगा हमारे पास, तो हम इसको माइनस करेंगे, हाउ लॉन्ग
टुक, उसने कितना टाइम लिया। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3:50 PM में से 2:40 PM माइनस कर देंगे। कैसे माइनस होगा, अब ये 3:50 है और ये 2:40, आवर्स में क्या टाइम है और ये हमारे मिनट्स को शो कर रहा है। अब हमेशा मिनट्स में से आवर्स माइनस नहीं होते हैं, आवर्स में से आवर्स माइनस होते हैं और मिनट्स में से मिनट्स माइनस होते हैं, तो माइनस कर दें। ये 50 है और ये 40 है, माइनस करेंगे तो 10 आएगा और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इसका मतलब उसने कितना टाइम लिया, उसे लगा 1 घंटा और 10 मिनट लगे उसे बॉल ढूंढने के लिए। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मुश्किल नहीं है कुछ भी, सिर्फ थोड़ा सा अपने माइंड को एक्टिव रखना है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 और इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, मिस्टर मुराद टीच हिज क्लास फॉर 45 मिनट्स। मिस्टर मुराद अपनी क्लास को 45 मिनट्स के लिए पढ़ा रहे हैं। इफ़ ही स्टार्टेड एट 3:30 PM, अगर वो 3:30 पे स्टार्ट करते हैं तो एंडिंग टाइम क्या होगा, व्हाट डज इट एंड। अच्छा जी, स्टार्ट किया है उन्होंने कितने पे, 3:30 PM पे, और कितनी देर के लिए पढ़ाया है, 45 मिनट्स के लिए। ड्यूरेशन कितनी है, कितना दौरानिया लिया उन्होंने, 45 मिनट्स। हमने बताना है कि ये एंड कितने पे होगा, इसका मतलब 3:30 पे स्टार्ट किया था और 45 मिनट्स के बाद उसने एंड किया, तो 3:30 में 45 मिनट्स ऐड हो जाएंगे, तो जो नेक्स्ट टाइम आएगा वो हमारा एंडिंग टाइम होगा। तो एंडिंग टाइम निकालने के लिए हमने क्या करना है, एंड टाइम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3:30 के अंदर हम 45 प्लस कर देंगे। कैसे, अब 3:30 में 3 जो है वो हमारा आवर्स को शो कर रहा है और 30 जो है वो मिनट्स को शो कर रहा है और यहाँ पे 45 मिनट्स हैं, तो हम इसको ऐड करेंगे, ये 3 और ये हमारा हो गया 30, यहाँ पर आवर तो ये हमारे मिनट्स। अब हमने क्या करना है, 45 में इसको 30 में 45 ऐड कर देना है, ये 45 मिनट्स हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब देखिए ऐड हम कैसे करते हैं, ये हो गया 0 + 5 = 5 और 3 + 4 = 3 + 4 होता है 7, तो ये टोटल आ रहे हैं 75 मिनट्स। अब 75 मिनट्स को हमने करना है कन्वर्ट। 75 मिनट्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से कन्वर्जन होगी, कि 75 में से 60 मिनट्स जो हैं वो शो करते हैं 1 घंटे को, ठीक है। तो 75 में से 60 निकाल दें 5 और पीछे बच गया 1, तो ये 15 मिनट यहाँ पे बचेंगे, ठीक है, और बाकी के 60 मिनट्स का मतलब है 1 घंटा, ठीक है। तो ये वाला 1 आवर जो है ये हमारा यहाँ आ जाएगा कैरी में, तो 3 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब उन्होंने कितने बजे स्टार्ट किया था, 3:30 PM पे स्टार्ट किया था और वो एंड कितने बजे करेंगे, 4:15 पे, मतलब 4:15 पे उनकी क्लास एंड होगी, तो ये हमारा एंड टाइम हो गया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है शमीम स्टडीड फ्रॉम 3:15 PM टू 4:45 PM। अब उसने कितने टाइम के लिए पढ़ा है, 3:15 PM पे स्टार्ट किया था और कब तक पढ़ा उसने, 4:45 PM तक। हिज सिस्टर समीना स्टडीड फ्रॉम 4:30 PM। अब ये था शमीम का टाइम कि शमीम ने इतनी देर के लिए पढ़ा। अब समीना ने कितनी देर के लिए पढ़ा, समीना ने स्टार्ट किया 4:30 PM पे टू 6:15 PM। चलें जी, हु स्टडीड लॉन्गर एंड बाय हाउ मच। अब हमने बताना है कि ज़्यादा देर के लिए किसने पढ़ाई की है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शमीम ने कितनी देर के लिए पढ़ा है और इसने कितनी देर के लिए पढ़ा है समीना ने। तो सबसे पहले हम शमीम का टाइम कैलकुलेट करते हैं कि शमीम ने कितनी देर के लिए पढ़ाई की है, शमीम्स टाइम कैसे करेंगे, हम 4:45 में से 3:15 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा 0 और ये 3 एंड 1। इसका मतलब
शमीम ने कितनी देर स्टडी की है? 1 आवर और 30 मिनट्स। अब बारी है समीना की, समीना ने कितनी देर पढ़ा है? समीनाज टाइम, समीना का टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समीना ने जहाँ से स्टार्ट लिया और जहाँ पे एंड किया उन दोनों को माइनस करेंगे, तो 6:15 हमारा एंडिंग टाइम है, उसमें से हम स्टार्टिंग टाइम माइनस कर देंगे। ये माइनस करने से क्या हुआ? अब ये 15 मिनट्स हैं और ये 30 मिनट्स हैं, 15 में से 30 माइनस नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 आवर जो है वो कैरी लेंगे। ये 1 आवर चेंज होके हमारे पास इधर कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में, क्योंकि हम ये मिनट्स को टाइम शो कर रहा है और ये आवर्स को शो कर रहा है। तो ये 60 + 15 = 75 हो गए, ठीक है। अब 75 में से आपने 30 माइनस करने हैं, कीजिए माइनस, ये 5 आ गया और यहाँ पर हमारे पास 4, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 45 मिनट्स। अब यहाँ से जब 1 आवर कैरी हो गया तो पीछे बच गया हमारे पास 5। अब इस 5 में से हमारे पास 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब समीना ने जो टाइम लिया वो कितना लिया? 1 आवर और 45 मिनट्स। तो समीना ने 1 आवर और 45 मिनट्स स्टडी की। अब मुझे बताइए कि 1 आवर 45 मिनट्स ज़्यादा है या 1 आवर 30 मिनट्स ज़्यादा है? तो हम कह सकते हैं समीना स्टडीड लॉन्गर, कि समीना ने ज़्यादा देर तक पढ़ाई की है। अब कितनी लॉन्गर पढ़ाई की है, कितना देर तक ज़्यादा पढ़ाई की है? तो 1 आवर 45 मिनट्स में से हम क्या करेंगे, आवर्स और ये हमारे मिनट्स, हम 1 आवर 45 और ये हमारा 45, इसमें से हम जो शमीम का टाइम है वो माइनस कर देंगे 1 आवर और 30 मिनट्स। तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, 1 और यहाँ 0। इसका मतलब उसने 15 मिनट्स जो हैं वो ज़्यादा पढ़ाई की है। किसने? समीना ने। किससे ज़्यादा? शमीम ने 15 मिनट कम पढ़ा है और समीना ने 15 मिनट ज़्यादा पढ़ा है, और ये हमारा डिफरेंस आ गया और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर कि सबसे ज़्यादा किसने पढ़ाई की है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो हमारे पास पूछा गया है वो क्या पूछा गया? पूछा गया है परवेज़ हैज़ टू टेक हिज मेडिसन 1 पिल, एक गोली खानी है उसने, आफ्टर एवरी आवर, हर घंटे के बाद। हाउ मैनी पिल्स ही विल नीड फॉर 3 डेज? क्वाइट सिंपल है, 1 पिल कितनी देर के लिए खानी है, कितनी देर के बाद? आफ्टर 1 आवर। तो 3 दिन के लिए उसने 3 डेज के लिए कितनी पिल्स खानी है उसने, ये आपने बता देना है। तो इसमें बहुत मुश्किल नहीं है कुछ भी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 पिल 1 घंटे के बाद खानी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हमारा। इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 1 डे में कितने घंटे होते हैं। 1 डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, इसका मतलब 1 घंटे के बाद वो 24 गोलियां खाएगा, ठीक है। तो 1 दिन में वो कितनी गोलियां खाएगा? 24। तो 3 डेज में कितने आवर्स होंगे? तो हमारे पास आ गए 24 × 3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 72 आवर्स। ये हमारा 3 डेज का टाइम आ गया। अब 3 डेज के टाइम में वो कितनी गोलियां खाएगा? 1 घंटे में उसने खानी है, 1 आवर में उसने खानी है 1 पिल, ठीक है। मींस 1 पिल हमारे पास हो जाएगी 1 आवर के लिए, तो 72 आवर्स के लिए कितनी पिल हो जाएंगी? तो बोथ साइड 72 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 72 आवर्स और 72 पिल्स, कि हर घंटे में उसने 72 गोलियां खानी है जी। 3 दिन में, 3 डेज में ही विल टेक 72 पिल्स। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर आपके पास पता होना चाहिए, मरियम वॉज ऑन वोकेशन, मरियम छुट्टियों पर चली गई है फॉर 3 वीक्स, हाउ मैनी डेज वॉज शी ऑन वेकेशन, 3 हफ्ते के लिए गई है मरियम वॉज ऑन वेकेशन, कितनी देर का वेकेशन है उसका जी, 3 वीक्स का। हमने बताना है कि इन वीक्स में वो 3 वीक्स डेज में कितने होंगे, कि कितने डेज की वेकेशन है उसकी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 वीक किसके बराबर है, 1 वीक में होते हैं 7 डेज, ठीक है। तो अगर 3 वीक्स निकालने हों तो बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 3 वीक्स, और ये हमारे पास आ जाएंगे 3 7 * 21 डेज। इसका मतलब वो कितने दिन की वेकेशन पे गई है, 21 डेज की वेकेशन पे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपने करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके पास क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, आई थिंक सिंपल से क्वेश्चन है। मुराद रैन अ ट्रैक रेस ऑन ट्यूसडे, ठीक है जी, एक ट्रैक पर उसने रेस स्टार्ट की है ट्यूसडे को, ही फिनिश रेस इन 4:20 सेकेंड्स, हाउ मैनी मिनट्स डिड ही टेक टू रन द रेस। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, रेस कितनी देर के लिए थी, रेस थी उसकी 4:20 सेकेंड्स के लिए। आपने बताना है कि हाउ मैनी मिनट्स, तो इन सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट किसके बराबर है, 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमें बताना है कि दिस 4:20 सेकेंड्स किस कितने मिनट्स के बराबर है। तो क्वाइट सिंपल है कि 4:20 सेकेंड्स, 7 मिनट के लिए रेस जीती है जी। ये तो था इसको सॉल्व करने के लिए आसान सा तरीका, लेकिन जब आपने इसको लिख के बताना है एग्ज़ाम में तो वो कैसे लिखेंगे। आपने क्या करना है, यूनिटरी मेथड आप लोगों को एक कराया जाता है, उसके ज़रिए आप लोगों ने बताना है कि इसमें कितने मिनट होंगे। आपने क्या करना है, आपके पास है 4:20 सेकेंड्स, इसे कन्वर्ट करना है मिनट्स में। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 4:20 / 60, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 मिनट्स। मुश्किल तो नहीं है, होप्स हो के मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास